नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गडी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापिक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। नए प्रज्ञापन में व्यवहार नय का प्रकरण चल रहा था, पेज नंबर 275 है ना, नए प्रज्ञापन। अब हाँ, व्यवहार यहाँ पर चलता है विषय। अब दूसरा पेरा है, जिसकी दृष्टि का जोर विकार पर है उसे आत्मा के एक भी धर्म का धर्म की यथार्थ पहचान नहीं होती। क्यों? क्योंकि विकार पर जोर है ना, स्वभाव पर जोर नहीं है, और स्वभाव पर दृष्टि, स्वभाव पर जोर हुए बिना धर्म की पहचान नहीं हो सकती। धर्म और द्वारा धर्मी ऐसे शुद्ध चैतन्य रूप आत्मद्रव्य को पहचानकर उस पर दृष्टि का जोर लगने से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होता है, और तभी आत्मा के धर्मों की यथार्थ पहचान होती है। इस प्रकार इस किसी भी धर्म के ज्ञान द्वारा अनंत धर्म के पिंड रूप शुद्ध चैतन्य द्रव्य को दृष्टि में लेकर उसका अनुभव करना ही कर्तव्य। ये बात तो लगभग सभी जगह आ रही है कि हर धर्म के पीछे केवल धर्म तक अटकने की बात नहीं है, लेकिन उन जैसे अनंत धर्मों का धनी ऐसा जो भगवान आत्मा है, शुद्ध चैतन्य द्रव्य है, तो उसको दृष्टि में लेकर के उसका अनुभव करना ही कर्तव्य है। अभी कहते हैं, अहो अनंत गुणों से स्वाधीन ऐसे चैतन्य स्वरूप शुद्ध आत्मा को पहचान कर उसकी महिमा और अनुभव करे तो अनादिकालीन मिथ्यात्व का महापाप छूटकर आत्मा हल्का अर्थात भार रहित हो जाए। देखिए क्या मतलब, मिथ्यात्व का पाप, महामिथ्यात्व का महापाप, यानी मिथ्यात्व का महापाप वो सबसे भारी पाप है। और जैसे होता है ना कि जितनी भारी चीज होगी उतनी ज्यादा डूबेगी, वो नियम है स्वाभाविक है कि जितनी ज्यादा भारी चीज है उतनी ज्यादा डूबेगी। तो जैसे मिथ्यात्व से जब तक जीव भारी है तो भव भ्रमण में डूबेगा। तो वो यहां पे ये कह रहे हैं कि अभी उसके अभाव का उपाय क्या। तो उन्होंने कहा कि अनंत गुणों से स्वाधीन, मैंने अनंत गुण और अनंत गुणों से वो स्वाधीन है। क्यों स्वाधीन है? कि उसके पास अनंत गुण है, और अनंत गुण कहते हैं उसकी उसकी अनंत मतलब जिसको कहते पावर शक्ति है ना, तो वो उससे स्वाधीन है। क्योंकि अनंत गुण नहीं होते, कुछ कम होते हैं तो अपने कार्य के लिए दूसरे की सहायता लेनी पड़ती, परतंत्रता आ जाती ना। लेकिन अनंत गुण है तो अपना कोई भी कार्य करने के लिए, आत्मा को अपना कोई भी कार्य करने के लिए, चाहे वो निगोद जाने का कार्य करना हो तो भी, और मोक्ष जाने का कार्य करना हो तो भी, मतलब उल्टा चलना हो तो भी और सुलटा चलना हो तो भी, उसे पर से कोई सहायता नहीं लेनी पड़ती। मन कुदेव कुगुरु कुशास्त्र आत्मा को निगोद पहुंचा दे ऐसा नहीं है, और सच्चे देव शास्त्र गुरु आत्मा को मोक्ष पहुंचा दे ऐसा नहीं है। आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर कुदेवादि का श्रद्धान ज्ञान करता है, उनका 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 बहुमान करता है, श्रद्धा वगैरह करता है, तो अपने उस परिणाम से आत्मा निगोद जाता है। और सच्चे देवादि का बहुमान वगैरह उसको आता है तो सच्चे देवादि का बहुमान आने पर वो सच्चे देवादि जिस चैतन्य का बहुमान करने की बात करते हैं उस चैतन्य का बहुमान लाकर उसकी श्रद्धा ज्ञान और अनुभूति करके वो मोक्ष चला जाता है। तो सच्चे देव सास गुरु को सहारा देते कि नहीं देते? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सहारा नहीं देता। हम उल्टा चले, पंडित जी ने लिखा है अनुभव प्रकाश में, दीपचंद जी ने उन्होंने लिखा कि इस जीव की वज्र शक्ति कैसी है, ये उल्टा चले विपरीत चले तो अंतर मुहूर्त में निगोद पहुंच जाए, और सुलटा चले तो अंतर मुहूर्त में सिद्धालय में पहुंच जाए।
ऐसी इसकी सामर्थ्य है ना। बात तो उतनी है कि चलना उल्टा के सुल्टा, वो अपने अधीन है, कोई दूसरा अधीन कर नहीं सकता, कोई किसी को भाई केवली नहीं समझा सके तो आप और हम क्या कर लेंगे, भगवान क्या कर लेंगे, भगवान मतलब सभी की बात है ना। इसमें कुछ नहीं किसी की सहायता चलती, न कोई डूबने वाला है और न कोई तिराने वाला है। डूबेगा अपने गलत अभिप्राय से, अपनी असरलता से, अपनी लोकोत्तर मायाचारी से। सुधरेगा या मोक्ष की राह में जाएगा तो अपनी आत्मा की पहचान से, है ना। दूसरा कोई न डुबोने वाला न कोई तिराने वाला। तो यहां पे कहा अनंत गुणों से स्वाधीन, ऐसा जो तत्व है ना वो अनंत गुणों से स्वाधीन चैतन्य स्वरूप शुद्ध आत्मा को पहचान कर उसकी महिमा, पहले तो आती है महिमा और उसके बाद होता है अनुभव। अब किसी को महिमा तो होवे नहीं आत्मा की, और आत्मा का अनुभव करना चाहेगा भूल में मत रहना, कोई नहीं सकता। पहला स्टेप महिमा का आएगा, क्योंकि महिमा नहीं आएगी अगर आत्म स्वभाव की तो उसका अनुभव करने के लिए प्रेरित नहीं हो सकता। क्यों करे अनुभव, जिसकी आपको महिमा नहीं है उसको प्राप्त करने का प्रयत्न क्यों करोगे। तो ये कह रहे हैं कि तो उसके पहले उसका महिमा और उसके बाद में उसका अनुभव करे तो अनादिकालीन मिथ्यात्व का महापाप छूट कर आत्मा हल्का अर्थात भार रहित हो जाए। मिथ्यात्व का महापाप छूटे तो हल्का हो, और मिथ्यात्व का पाप बना रहे और बाकी के सारे पाप छोड़ दे, शुक्ल लेश्य के परिणाम कर ले, कितना हल्का हुआ आत्मा, कि रंच मात्र हल्का नहीं हुआ, क्योंकि मिथ्यात्व का पत्थर बंधा हुआ है ना। मिथ्यात्व का पत्थर तो बांध रखा है, अब क्या हुआ कि थोड़ा सा मेल आ गया, इसको साफ कर लूं जरा, तो क्या होगा उससे कि बाकी मिथ्यात्व के पाप को हटाने के बजाय बाकी के सारे पाप हटा भी दे तो जैसे पत्थर बांध करके कोई आदमी कुएं में पड़ा हुआ है या समुद्र में पड़ा हुआ है और वो हाथ का मेल धो रहा है तो वो बचेगा कि नहीं बचेगा डूबने से, नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा, क्यों पत्थर बंधा हुआ है। हाँ, तो ये यहां पे कह रहे हैं कि भार रहित तो हो जाए एक बार ऐसे आत्मा पर दृष्टि करते ही अनंत संसार के कारण रूप मोह भाव छूट जाए, ये है। और मोक्ष की निशंकता से आत्मा एकदम हल्का अर्थात भार रहित तो हो जाए। क्या क्या कह रहे हैं यहां पे, मोह भाव छूट जाए और मोक्ष की निशंकता, अभी मोक्ष हुआ नहीं, समय दर्शन हुआ ना, मोह अभी तो मोह गया है खाली, लेकिन मोह जाने पर भी निशंकता कितनी, कि मोक्ष होगा ही होगा और मोक्ष होने में अभी अनंत काल नहीं लगेगा, क्योंकि जिसको अभी तक जिसको भव और भव की शंका में जो झूलता है, पता नहीं भगवान ने अनंत भव देखे होंगे तो, केवली परमात्मा ने अनंत भव देखे होंगे तो मेरी क्रमबद्ध है ही नहीं ना, मेरी क्रमबद्ध पर्याय में अनंत भव होंगे तो, कि न तो तुझे क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय है ना तो तुझे सर्वज्ञ का निर्णय है, क्योंकि सर्वज्ञ का और क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होने वाले के अनंत भव सर्वज्ञ ने देखे नहीं और क्रमबद्ध पर्याय में होते नहीं, इतनी निशंकता से ज्ञानी बोलते है ना। ये गुरुदेव श्री का एक प्रवचन हुआ था मानसतम का, पंचकल्याणक का, सोनगढ़ का, बहुत पुराना, करीब 80 साल हो गए उसको, तो 80 साल पहले मानसतम का एक पंचकल्याणक था। तो उस समय गुरुदेव श्री का एक प्रवचन था, उन्होंने कहा कि जिसको भव की शंका है, भव की शंका में जो अभी डोल रहा है, ये मिथ्या दृष्टि है पक्का, भव्य को भव की माने, अरे सम्यक दृष्टि को तो भव की शंका होती नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन के पहले जो जीव सम्यक के सन्मुख आया, तत्व निर्णय की भूमिका जो सम्यक दर्शन के पहले होती है, तत्व निर्णय की भूमिका में आया, उसको भी भव की शंका नहीं होती। सिर्फ है हाँ ऐसा हाँ, चोर की डाडी में तिनका, श्रीमद जी की भाषा में कहें तो तीव्र मुमुक्षुता, उसको आएगा, मैंने नहीं किया, कोई चोरी की बात चल रही हो, देखो जी मैंने नहीं की, हाँ बेटा तूने की है, समझना है, क्यों स्पष्टीकरण क्यों दे रहा है, ये ईसा है कोई, तो स्पष्टीकरण दे रहा है ना, मैंने नहीं किया ये काम, मैंने नहीं किया, समझ गए हम किसने किया, है ना, तो शंका नहीं, ऐसा कह रहे हैं। हाँ
हैं? ईसा मसीह का। हाँ 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 उनका शिष्य प्रतिष्ठित। हाँ हाँ बराबर बराबर। तो भाई तुम में से ही मतलब कोई भेद निकल के मुझे मरवाएगा मरवाएगा। हाँ जो सर एक मजदूर हुए ना। हाँ वो तो सही है, वो तो बराबर है ना, ऐसे ही होता है। देखो कितनी बढ़िया बात कही। फिर उस शुद्ध आत्मा का अवलंबन लेकर ज्यो ज्यो उसमें एकाग्रता होती जाती है त्यों त्यों अविरति आदि पाप भी छूटकर आत्मा हल्का होता जाता है। अविरति आदि पाप, उसके बाद मिथ्यात्व गया, मिथ्यात्व के बाद जाएगी अविरति, उसके बाद प्रमाद, उसके बाद कषाय, उसके बाद योग, मैंने ये पापों के जाने का क्रम है ना। हाँ अब ये बात अलग है कि मिथ्यात्व गया तो मिथ्यात्व संबंधी अविरति प्रमाद कषाय योग वो सब गए, मिथ्यात्व संबंधी, लेकिन ध्यान देना है ना, जैसा अविरति प्रमाद कषाय योग मिथ्या दृष्टि को होता है वैसा अविरति प्रमाद कषाय योग समय दृष्टि को नहीं होता। ये आश्रव अधिकार में समय सार में आया है ना ऐसा। चौथे पांचवे में आएगा वो तो अवरत का भाव छूटेगा और उसके बाद बारहवें दसवें गुणस्थान के अंत में या बारहवें गुणस्थान का पहला समय तो वहां पर कषाय छूटेगी। प्रमाद सात छठे में छूट सातवें में छूटेगा, कषाय दसवें के एंड में छूटेगी और योग चौदहवें गुणस्थान के एंड में छूटेगा। ये क्रम है, इसका सबका क्रम है ना। अब उस क्रम को आप बदल नहीं सकते। कोई कहे क्यों, हम क्या समझते हैं कि हमने बाहर के नियम व्रत नियम ले लिए तो हमारी अवृत्ति छूट गई, क्या अवृत्ति उसका नाम ही नहीं है। दो चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक की शुद्धि अंदर में हो और बाहर में फिर प्रतिज्ञा का परिणाम आवे, संयम अंश जगियो जहां भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा या को नाम। तो संयम अंश, तो संयम अंश कौन से गुणस्थान में जगता है कि चौथे गुणस्थान में संयम नहीं होता, सम्यक दर्शन होता है लेकिन असंयम है वहां पे। पांचवें गुणस्थान से संयम होता है, पांचवें गुणस्थान से संयम होता है। प्रमाद का अभाव छठे गुणस्थान में नहीं होता, छठे गुणस्थान तक प्रमाद है, सातवें गुणस्थान में होता है प्रमाद का अभाव और वापस प्रमाद में आ जाते। छठे सातवें गुणस्थान तो झूलने वाली भूमिका है ना, तो सातवें गुणस्थान में गए तो अप्रमाद दशा, छठे में आए तो प्रमाद दशा, इस तरह प्रमत्त और अप्रमत्त दशा का झूला झूलते हैं। और दसवें गुणस्थान के एंड में लोभ जाता है तो कषाय अंतिम कषाय लोभ वो गई, बारहवां गुणस्थान प्रकट हो गया, उपशम श्रेणी की बात नहीं कर रहे अपन है ना। और चौदहवें गुणस्थान में योग का अभाव होता है, वो भी कब, चौदह गुणस्थान का एंड अंतिम, वो समय थोड़ा ही है उसका, तो तेरहवें गुणस्थान से चौदह गुणस्थान में आया थोड़ा ही समय है उसका तो आ गया। तो आनंद का वेदन बढ़ता जाता है, अंत में शुद्धात्म स्वरूप में पूर्णतया एकाग्र होने से विकार का भार सर्वथा दूर होकर आत्मा बिल्कुल हल्का हो जाता है। ये पद्धति है। और लोक में भी देखो एक चीज समझ लो कि लोक में जिस तरह एक कोई भी कार्य करने की एक विधि होती है, अब उसमें कोई ये कहे कि नहीं ये हमने पहले कर लिया ये हमने बाद में कर लिया, भाई अभाव तो हमको पांचों का करना है। अब चलो मिथ्यात्व का अभाव नहीं हो रहा था, हम अवृत्ति का ही अभाव कर लें। लेकिन भाई साहब अब उसके बाद फिर तीसरा नंबर क्या बोलेगा कि चलो अविरति का अभाव नहीं हो रहा, मिथ्यात्व का अभाव नहीं हो रहा, तो हम कषाय का ही अभाव कर लें, प्रमाद का ही अभाव कर लें। लेकिन होता नहीं है ना, पद्धति नहीं है, वो होता नहीं है, हम कर कैसे ले। होगा तो अंतरंग परिणामों में उस जाति की कसाई मिटेगी तब उसका अभाव होगा। और हम क्या चाहते हैं, हम बाहर के वेश बदलकर, बाहर के भोजन बदलकर, बाहर की क्रियाकलाप बदलकर और अपने को अविरति और महावृति मान लेते हैं, अनुवृत्ति और महावृति मान के बैठते हैं। अनंत भवों में हमने अपनी आत्मा के साथ ऐसा धोखा किया है, धोखा शब्द बोल रहा हूं, अपनी आत्मा के साथ ऐसा धोखा हमने अनंत बार किया है। और धोखा उसको कह रहा हूं जब निरतिचार पालन किए, उसको बोला धोखा आत्मा के साथ, नौवें गृहवक गया तो भी आत्मा के साथ धोखा किया। क्यों, क्योंकि तूने ये मान लिया कि ये हो गया मेरा काम, नहीं होता, पद्धति नहीं। हलवा बनाते हैं तो क्या होता है पहले,
तीन चीज चार चीजें होती ना, आटा घी शक्कर और पानी। तो पहले क्या करते, पद्धति क्या है, आटे को घी में सेकते। अब घी बहुत महंगा है आजकल, तो अपन क्या करें, अपन होशियार है ना ज्यादा, अपन क्या करेंगे, अरे आटे को सेकना ही तो एक, तो अपन क्या करो, ऐसा करो इसको पानी में सेक लो, घी बाद में डाल देंगे। भाई डालने से तो मना नहीं कर रहे ना हम, केवल क्रम बदल रहे हैं। अब क्रम बदलने तो बना लो, क्रम बदल के क्रम, भाई जो क्रम होगा वही तो होगा, हलवा तो नहीं बनेगा, लई भी नहीं बनेगी। वैसे लई बन जाएगी, हमारा हलवा नहीं बना, लई तो बन जाएगी, लई भी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि लई बनाने की भी अपनी विधि है, लई भी अपनी विधि से बनेगी, ये है प्रॉब्लम, है ना। तो कोई भी कार्य होगा वो विधि से होगा, और अपनी मति कल्पना से इस मार्ग में चलने को सबसे बड़ा स्वच्छंद नाम का दोष है। हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग क्या समझते हैं कि जो पाप में प्रवर्तन करता है वो स्वच्छंदी, अकेला ऐसा नहीं है। तीव्र कसाय, भले मंद कसाय में प्रवर्तन कर रहा है वो, लेकिन अनुक्रम का उल्लंघन करके, और अपने को मान रहा है कि मैं तो अनुवृत्ति हो गया, मैं तो महावृत, मैं तो फलाना हो गया, मैं तो ये हो गया, मैं तो वो हो गया, कहते स्वच्छंदी है। क्यों, क्योंकि तुझे जिनेंद्र भगवान के मार्ग की पद्धति की खबर नहीं है। तो फिर क्या करें, इंतजार करें सम्यक दर्शन का। बहुत से लोग बोल देते कभी इंतजार करें, तो मैंने कहा इतनी जल्दी क्या है तुमको, दिखाना है किसी को, हा? इंतजार करें, इंतजार करें, कोई मैंने कहीं से आने वाला है सम्यक दर्शन जो इंतजार करोगे उसका, कि स्वयं के पुरुषार्थ से वो प्रकट होगा। तो वो पुरुषार्थ सम्यक दर्शन की उपलब्धि में, आत्मा की उपलब्धि में, आत्मा की अनुभूति की उपलब्धि में वो पुरुषार्थ काम क्यों नहीं करता। तत्व तो निर्णय ठीक नहीं है अभी, तो पुरुषार्थ कैसे काम करे, क्यों, क्यों तत्व तो निर्णय ठीक नहीं है, क्योंकि अगर तत्व तो निर्णय ठीक होता तो मिथ्यात्व का अभाव करने के पहले अविरत परमात्मा को दूर करने का प्रयत्न नहीं करता, हो नहीं सकता है वो। तो पहला कर्तव्य क्या, पंडित जी ने लिखा मोक्षमा प्रकाशक में, देखो तत्व तो विचार की महिमा, तत्व विचार रहित देवादि की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादि पालन करे, तपश्चरणादि करे, उसको सम्यक्त होने का अधिकार नहीं। और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त का अधिकारी होता है। क्या हुआ इसका मतलब, अधिकार क्यों नहीं, अधिकार इसीलिए नहीं कि वो अपने को ऊंची भूमिका वाला मानने लग गया, तो क्या काम से। हाँ देखो, अर्थात संपूर्ण शुद्ध हो जाता है और पूर्ण अतींद्रिय आनंद प्रकट हो जाता है। पहले बंद दशा में कर्म के निमित्त का सद्भाव था और अब मोक्ष दशा में कर्म का अभाव हो गया, इसलिए कर्म से छुटकारा हुआ। इस प्रकार आत्मा बंद और मोक्ष में द्वैत का अनुसरण करता है, ऐसा उसका एक धर्म है और उस धर्म से आत्मा को जानने वाला ज्ञान, उसका नाम व्यवहार नय है। यह व्यवहार नय का वर्णन हुआ। अब इसके बाद आया निश्चय नय। अब ये निश्चय नय कौन सा है, ये निश्चय नय भी, ये जो प्रवचन सार का व्यवहार नय है, इसके विरोध वाला निश्चय नय है, ये भी एक धर्म वाला नय है। समय सार का निश्चय नय अलग है, इससे बताया था ना उस दिन। देखो, आत्मद्रव्य निश्चय नय से बंद और मोक्ष में अद्वैत का अनुसरण करने वाला है। वहां क्या था, द्वैत का अनुसरण करता था, यहां अद्वैत का अनुसरण करता है। अकेले बद्धिमान और मुच्यमान ऐसे बंद मोक्षेचित स्निग्ध रुक्षत्व गुण रूप परिणत परमाणु की भांति। क्या मतलब, कि निश्चय नय से आत्मा अकेला ही बद्ध और मुक्त होता है, किसी का अनुसरण करता नहीं है, अकेला बद्धता है और अकेला मुक्त होता है। जैसे बंद और मोक्ष के योग्य, क्या कहा, बंद और मोक्ष के योग्य, बंधने के योग्य और छूटने के योग्य, मोक्ष माने परमाणु की बात है ना, तो परमाणु स्कंद से छूटने के योग्य, स्निग्ध या रुक्षत्व गुण रूप परिणमित होता हुआ परमाणु अकेला ही बद्ध और मुक्त होता है। बंधता है तो किसी को साथ लेके जाता है,
और मुक्त होता है तो भैया देख मैं अकेला नहीं जा रहा, अकेला नहीं छूट रहा, तू भी मेरे साथ चल, ऐसा होता है। आत्मा बंधने में भी अकेला है और आत्मा मोक्ष में भी अकेला है, आता है ना, जन्म मरण करे अकेला, भोगे अकेला, ये आता कि नहीं आता है, एक तो भावना में वो जगह आता है ऐसा। तो बद्ध अकेला ही बद्ध और मुक्त होता है उस प्रकार, ये बात कही। अब देखो इसमें आत्मा निश्चय ऐसे बंध मोक्ष में अद्वैत का अनुसरण करने वाला है, किस प्रकार, जिस प्रकार बंध मोक्ष के योग्य, बंध मोक्ष और बंध और मोक्ष, तो बंध मोक्ष देश लगा दिया तो और बंध मोक्ष के योग्य ऐसी रुक्षता या चिकनाई रूप परिणमित होकर परमाणु अकेला ही बंधता या मुक्त होता है। स्निग्धता और रुक्षता बंध के कारण है, तो बंधने वाला भी परमाणु अकेला बनता है, उसमें दूसरे किसी परमाणु का कोई योगदान नहीं है, और छूटता है तो भी वो परमाणु अकेला छूटता है, उसमें दूसरे किसी का कोई योगदान नहीं है। उसी प्रकार निश्चय नय से, मतलब व्यवहार से देखोगे तो संयोग की अपेक्षा आएगी, और निश्चय से देखोगे तो ये बंध और मोक्ष किसने किया, कि बंध और मोक्ष का कर्ता आत्मा है। जो 189 गाथा कई बार बताते हैं ना अपन, कि राग परिणाम ही आत्मा का कर्म है, वही द्वेत है, आत्मा उसी का करता है, ये शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप निश्चय है, वो ये वाला निश्चय है। उसी प्रकार निश्चय से आत्मा अकेला ही बंध या मोक्ष दशा रूप होता है, बंध में या मोक्ष में अपनी योग्यता से ही परिणमित होता है, कोई बांधने वाला नहीं, कोई छुड़ाने वाला नहीं, है ना। जब उसको कर्म की सापेक्षता से देखते हैं तो व्यवहार ने लागू होता है, और कर्म की सापेक्षता हटा दो तो वही बंध और मोक्ष से आत्मा परिणमित हुआ, कहते वो निश्चय नहीं है, है ना। यहां विकार और अविकार दोनों दशा से परिणत आत्मा को निश्चय नहीं कहा, समय सार त्रिकाली ध्रुव स्वभाव को निश्चय कहेगा, उसके बाद सेकेंड नंबर पर निर्मल पर्याय को भी किसी अपेक्षा से निश्चय कहेगा, और राग को निश्चय कहेगा तो वह कहेगा दोष का ज्ञान कराने के लिए हम कह रहे हैं। आगे बहुत सारी बातें, तो देखो बंध मोक्ष का, बंध मोक्ष की पर्याय को निश्चय नय का विषय कहा है, उस बंध मोक्ष में पर की अपेक्षा न लेकर, व्यवहार नय में किसकी अपेक्षा ली थी, कर्म के उदय और कर्म के अनुदय की, यानी क्षय की अपेक्षा ली थी, अब वो अपेक्षा नहीं लो आप, न लेकर अकेले आत्मा से ही उन पर्यायों का होना मानना चाहिए। आत्मा ही बंध रूप होता है, आत्मा ही मोक्ष रूप होता है, और कहते हैं यह निश्चय नय है। उस निश्चय नय से बंध मोक्ष में आत्मा अकेला ही है, इसलिए वह अद्वैत का अनुसरण करता है, मतलब उसमें दूसरे किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, बंध में भी अकेला और मोक्ष में भी अकेला। बंध में अकेला है ना, कि जब बंध तूने अपने आप से किया ना, तो अपने आप से बंध किया तो अपने आप से तू बंध का अभाव कर सकता है, बांधा किसी ने बांधा हो तो कोई दूसरा छुड़ाने वाला चाहिए, ठीक है ना, लेकिन खुद बंधा तो खुद ही छूटेगा, तो छूटेगा, बाकी कोई छुड़ाने वाला नहीं है। यहां कह रहे हैं यहां निश्चय ऐसे आत्मा बंध मोक्ष में अद्वैत का अनुसरण करता है, ऐसा कहा उसमें निश्चय से आत्मा के त्रिकाल एक रूप स्वभाव की जो कि दृष्टि का विषय है बात नहीं है, तो ये खुलासा कर दिया, क्यों, क्योंकि जो दृष्टि का विषयभूत त्रिकाल एक रूप स्वभाव है वो तो बंध और मोक्ष की क्रिया और परिणाम परिणति से रहित है। ध्यान में आ गया, क्या कहा, त्रिकाल जो स्वभाव है जिसको पारनामिक भाव कहते हैं, परम पारनामिक भाव कहते हैं, कहते वो तो निष्क्रिय है, वो तो बंध को नहीं करता, बंध की क्रिया को, बंध की परिणति को, बंध के परिणाम को नहीं करता। जब बंध की क्रिया परिणति परिणाम को नहीं करता तो मोक्ष की क्रिया परिणति परिणाम को भी नहीं करता, वो तो एक रूप रहता है, बंध के काल में जैसा और जितना है मोक्ष के काल में भी वैसा और उतना ही है, बंध के काल में उसमें से कुछ घटता नहीं और मोक्ष के काल में उसमें कुछ बढ़ता नहीं,
जितना शुद्ध उस बंध के काल में था उतना ही शुद्ध मोक्ष के काल में है, उससे में शुद्धता न बढ़ती है न कम होती है ना। तो वो कह रहे हैं कि वो जो निश्चय ने का जो विषय, जो दृष्टि का विषय है, कि वो दृष्टि के विषय वाली बात यहां नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल रही? क्योंकि यहां तो बंध मोक्ष परिणाम का कर्ता, मतलब बंध मोक्ष परिणाम में प्रवर्तने वाला, उसमें अद्वैत का अनुभव करने वाला, उसका नाम आत्मा है, तो उसकी बात नहीं है यहां पे। आगे बात समझ। किंतु बंध मोक्ष पर्याय में आत्मा अकेला ही परिणमित होता है। मैंने यहां तो देखो, इसको दूसरी भाषा में कहें तो यहां परिणामी आत्मा की बात है। कौन से आत्मा की बात है? परिणामी। और दृष्टि का विषय भूत तत्व कौन सा है? कि वो अपरिणामी ध्रुव, अपरिणामी, वो दृष्टि का विषय। और यहां परिणामी आत्मा की बात है, ये प्रमाण का विषय भूत निश्चय नहीं वाला है। आ गया? हाँ। मैंने इसको भी अगर समय सार की भाषा में कहोगे ना, तो समय सार की भाषा में कहोगे तो ये व्यवहार नहीं का आत्मा है, प्रवचन सार में निश्चय नहीं का आत्मा है, निश्चय नहीं से बोला जाएगा। समय सार में इसी को बोलेंगे व्यवहार। आ गया? यहां प्रयोजन दूसरा है, यहां प्रयोजन दूसरा कि यहां पर के साथ के संबंध का निषेध। इसमें निश्चय क्यों आया फिर? कि पर के साथ के संबंध को व्यवहार कहा था, और पर के साथ का संबंध का निषेध किया, मतलब एक स्टेप आगे बढ़े आप। यानी क्या मतलब? कि आपने असद्भूत व्यवहार का निषेध किया। तो असद्भूत व्यवहार का निषेध करने के लिए, असद्भूत व्यवहार का निषेध करने की अपेक्षा से अभी जो पर्याय परिणति है उसको आत्मा में अभेद करेंगे। क्योंकि वो जो पर्याय है बंध और मोक्ष की, तो वो बंध और मोक्ष की पर्याय रूप तुम खुद परिणमते हो, कर्म का कोई लेना देना नहीं। तो अभी कर्म से भिन्न किया। पहले कर्म की बात क्यों की थी? कि पहले हम कर्म से भी आगे बढ़ते थे। कि विकार हुआ तो क्यों हुआ? कि विकार होने में नियम रूप निमित्त अगर कोई है तो नियम रूप निमित्त कौन है? कि कर्म, कर्म का उदय। उदय भी नहीं, उदय की ओर हमारा लक्ष्य करता हुआ परिणाम, तब उस कर्म के उदय को निमित्त कहा जाता था। और हम विकार की खोज भी कहां करते थे? कर्म के अलावा बाहर के पदार्थों में हम विकार की खोज करते थे। कि गुस्सा क्यों आया? तो उसने मुझे गाली दी, तो भाई गाली तो तेरे को दी, वहां तो 25 आदमी खड़े थे और सबने वो गाली के शब्द सुने, फिर तुझे गुस्सा क्यों आया? बाकी के लोगों को क्यों नहीं आया? तो हमने क्या माना? मुझे दी तो वो गाली से गुस्सा आया, या मुझे गाली दी इस मान्यता से गुस्सा आया? अभी नक्की कर लो। अगर गाली के शब्दों से गुस्सा आता है, वहां 25 लोग खड़े थे। जब किसी व्यक्ति ने गाली दी तो अकेले में नहीं दी, वो भी यही कह रहा है साहब अकेले में देता तो कोई बात नहीं थी, इतने लोगों के सामने, तो उनको क्यों नहीं आया, तुमको ही क्यों आया? तो हमने माना कि मुझे दी, तो मुझे दी इस मान्यता के कारण आया कि गाली के शब्दों के कारण आया, है ना। तो देखो ये नियम रूप निमित्त नहीं है। कभी कभी गाली नहीं दे कोई तो भी गुस्सा आ जाता है, और भी प्रकार की कषाय हो जाती है। नियम रूप निमित्त का ज्ञान कराने के लिए उसको व्यवहार कहा। ये भी एक बात ध्यान देना, व्यवहार कहने के पीछे भी प्रयोजन है आचार्य का, कि जगत में अनंत 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 परद्रव्यों को हम विकार का निमित्त मानते थे, और अनंत परद्रव्यों के सहयोग से, इनके से चौथे काल का सहयोग होगा तो मुझे मोक्ष मिलेगा, व्रज सब नाराज सहनन होगा तो मुझे मोक्ष मिलेगा, ऐसा होगा तो मुझे मोक्ष मिलेगा, इन सब को एक लाइन कर दिया। ये होते हो लेकिन ये नियम रूप नहीं है। क्यों? क्योंकि चौथे काल में भी तू था, और व्रज सब नाराज सहनन भी तुझे था, और सातवें नरक में गया था। तो नियम रूप निमित्त है क्या? वो कर्म का अभाव नियम रूप निमित्त है। चौथा काल वृषभ नराज सेनन, ये कोई नियम रूप निमित्त नहीं है। क्यों? क्योंकि ये होने पर जीव सातवें नरक भी जाता है। आ गया? तो नियम रूप निमित्त का ज्ञान कराकर जगत में जो हमारी बहुत सारी मेहनत होती थी विकार का कारण ढूंढने की,
अथवा मुक्ति के कारण को तलाश करने के लिए हम जो जगत में बहुत सारी जगह घूमते थे वो हमारी मेहनत आचार्य देव ने बचाई और केवल नियम रूप निमित्त को स्थापित किया। भले वो असद्भूत है, आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय में नहीं है, लेकिन जब जब ये कार्य होगा तब तब वही निमित्त होगा, दूसरा नहीं होगा। और दूसरा भले हो लेकिन नियम रूप निमित्त यही कहलाएगा, ये तो होगा ही होगा। इस ये नियम रूप निमित्त ना हो और कार्य हो ऐसा कभी नहीं होता, और इस निमित्त से कार्य हो ऐसा कभी नहीं होता। तो नियम रूप निमित्त का ज्ञान कराने के लिए उन्होंने असद्भूत व्यवहार नय की स्थापना की, और फिर उस निमित्त का निषेध करने के लिए है ना, अभी वो निमित्त से दृष्टि हटा करके अपने परिणाम का करता तू है, तेरे उस परिणाम में कोई दूसरे का हस्तक्षेप नहीं है। तो इतना उस असद भूत का निषेध हुआ ना, तो व्यवहार का निषेध करना ये निश्चय नहीं का कार्य है, इस अपेक्षा से तो कहेंगे उसे निश्चय। और वास्तव में देखो तो ये भी क्या है, ये भी सद्भूत व्यवहार है। विकारी भाव वो सद्भूत उपचरित, और निर्मल भाव वो सद्भूत अनुपचरित। वास्तव में तो व्यवहार है, निश्चय क्यों कहा कि उससे दृष्टि हटा करके इनको आत्मा के साथ तन्मय बताया। तो देखो इन रागादि भाव, देखो निश्चय रागादि भाव निश्चय भी होते हैं, रागादि भाव व्यवहार भी होते हैं। कभी कि जब आत्मा के आत्मा को या रागादि को आत्मा के साथ आप तन्मय कहोगे, एक में कहोगे, एक में रागादि भीतरा कोई भी भाव, तो एक में कहने पर वो होगा निश्चय। और राग वाला आत्मा ऐसा भेद करके कथन करोगे तो वो होगा व्यवहार। क्या आया समझ में, क्या आया समझ में? राग वाला आत्मा ये व्यवहार, और रागी आत्मा अभेद। तो अभी जब पर से भिन्न करना है ना, तो अपनी विकारी अविकारी पर्याय से अभिन्न सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब जब अपनी निर्मल द्रव्यगुण पर्याय में आया, अब फिर आगे की बात करेंगे कि देख भाई ये विकार तेरा स्वभाव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तेरे स्वभाव जैसा ये परिणमन नहीं। तो पहले विकार को उड़ाएंगे, फिर कहेंगे निर्विकार पर्याय प्रकट हुई। क्या प्रकट हुई तो क्या हुआ, तेरा स्वभाव तो परिपूर्ण निर्मल है, और परिपूर्ण निर्मल है तो अपूर्ण निर्मल है, तो अपूर्ण निर्मलता तेरा स्वभाव कैसे हो सकती है? तो उसको भी व्यवहार कर देंगे। और पूर्ण निर्मल पर्याय, कि पूर्ण निर्मल पर्याय, कि भले ही पूर्ण निर्मल पर्याय है लेकिन हे तो एक समय की, तू तो त्रिकाली निर्मल है, ये तो एक समय की है। तो इस तरह फिर छायिक भाव को भी उड़ाएंगे, और फिर दृष्टि का विषय त्रिकाली ध्रुव बताएंगे। ये पद्धति है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले उसको मैंने पहले उस कर्म रूप व्यवहार को स्थापित किया, फिर विकारी अविकारी पर्यायों को आत्मा का कहकर, अभेद कहकर, आत्मा के साथ अभेद कहकर उस व्यवहार का निषेध करेंगे। फिर अभी आत्मा के द्रव्यगुण पर्याय की मर्यादा में आया ना, तो अब पहला नंबर विकार को विकार से भेद ज्ञान कराएंगे। तो पहले केवल ज्ञान से वेद ज्ञान नहीं होता है, पहले राग से वेद ज्ञान होता है। जिसको राग से भिन्न आत्मा दिखाई नहीं देता वो कहता केवल ज्ञान से भिन्न आत्मा। अभी राग में तो झूम रहा है तू, केवल ज्ञान तो होगा कि सम्य दर्शन नहीं अभी। तो पहले राग रूप असद्भूत व्यवहार का निषेध करेंगे, और निर्मल पर्याय रूप व्यवहार की स्थापना होगी। फिर निर्मल पर्याय रूप अपूर्ण निर्मल पर्याय रूप व्यवहार का निषेध होगा, पूर्ण निर्मल पर्याय की स्थापना की जाएगी ये आत्मा, और फिर उसका भी निषेध करके त्रिकाली स्वभाव तक पहुंचा। ये पद्धति है नए चक्र की, इस स्टेप से चला ही आचार्य भगवान तो इसी स्टेप से चले है ना। इतनी हर जगह इतनी स्टेप लिखी नहीं मिलेगी, लेकिन एक जगह उन्होंने दे दिया आपको, सूत्र दे दिया। अब सूत्र देने के बाद प्रयोग तो अपने को करना है ना। नए चक्र में ये सब बातें मिलेंगी आपको है ना, कि स्थापना क्यों की, कि व्यवहार को स्थापना करने लायक है क्या? असत कल्पनाओं, देखो अभी ध्यान से सुनना, असत कल्पनाओं के निषेध के लिए असत भूत व्यवहार को स्थापित किया। असत मिथ्या कल्पनाओं का निषेध करना था तो असत भूत व्यवहार को भी स्थापित किया, लेकिन वो दृष्टि का विषय है। अगर वैसा का वैसा मान ले तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा है ना। क्यों? अगर तुम आत्मा और शरीर को एक नहीं मानते, ये समय सार में गाथा है,
कि साहब जब आत्मा शरीर को अगर तुम आत्मा और शरीर को व्यवहार से भी एक नहीं कहोगे तो जैसे भस्म को मसल देने में हिंसा का अभाव सिद्ध होता है, ऐसे शरीर से ही जीव को मसल देने में हिंसा का अभाव होगा। हमने इसे मैंने कहां आचार्य त्रिकाली ध्रुव की बात करते हैं, कहां ऐसे व्यवहार को स्थापित करते हैं, क्यों? उसके पीछे प्रयोजन है, वहां अटकाने का प्रयोजन नहीं है। असत कल्पनाओं के निषेध के लिए असद भूत की स्थापना और असद भूत का निषेध के लिए सद्भूत की स्थापना, सद्भूत का निषेध के लिए परमार्थ की स्थापना, और परमार्थ की स्थापना के बाद फिर कोई जरूरत नहीं रहती। परमार्थ के विषय को पकड़ लो, फिर नए में मत अटको, वहां तक पहुंचने का स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप, क्योंकि जीव खड़ा कहां है, वो तो अत्यंत भिन्न पर पदार्थों में अपनापन मान के बैठाया गया, तो अत्यंत भिन्न पर पदार्थों में अपनापन मान के बैठा है, उसको वहां से उठाना है और छायिक पर्याय से भी भिन्न त्रिकाली ज्ञायक तक पहुंचाना है। इतने स्टेप पार करने आचार्य आया। ये थोड़ा है विषय। आत्मा की अपेक्षा बंद मोक्ष पर्याय को लक्ष्य में लेने की बात है। बंद पर्याय में भी अकेला आत्मा ही परिणमित होता है और मोक्ष पर्याय में भी अकेला आत्मा ही परिणमित होता है। इस प्रकार बंद मोक्ष पर्याय निरपेक्ष है, मैंने उसमें कोई पर की अपेक्षा नहीं आती, इसलिए निश्चय से आत्मा बंद में और मोक्ष में अद्वैत का अनुसरण करने वाला है, ऐसा उसका एक धर्म है। यह है सेली। हाँ, बहुत गजब का है, सामान्य बात नहीं है। कहां से शुरू करते हैं, कहां तक पहुंचाना है, कितनी क्या अपेक्षा है आचार्य भगवान को, वो बहुत, क्योंकि जितनी गंभीरता से वो विषय वस्तु को स्पष्ट किया जाता है और किया जाना चाहिए। क्यों किया? कैसा व्यवहार तो अवतारते, हाँ अवतारते, हमको पता है ना अवतारते, लेकिन अवतारते है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक बड़े झूठ का निषेध करने के लिए छोटा झूठ बोला जाता है तो झूठ, अत्यंत भिन्न पर पदार्थों से दृष्टि हटाने के लिए शरीर को आत्मा कहा जाता है कि भाई तेरी मर्यादा तो इस तेरे शरीर के बाहर है ही नहीं, तो ये क्यों कहा, ये क्यों कहा, अत्यंत भिन्न पर पदार्थों में झूम रहा था, वहां जहां खड़ा है वहां से उठाएंगे बस, कि क्या इससे क्या फायदा हुआ सब, शरीर को आत्मा कहने से क्या फायदा हुआ, कि तू आत्मा की खोजने के लिए जो सम्वेद शिखर शत्रुंजय पालीताना की सीढ़ियां चढ़ता उतरता था, दम भरता था ना अपना, कि वहां मिलेगा वहां मिलेगा वहां मिलेगा वहां मिलेगा, है ना, नहीं तो कहीं, नहीं तो सोनगढ़ जाके मिलेगा, वहां जाके मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, तेरा आत्मा तेरे इस देह रूपी देवालय के बाहर नहीं है। कितना श्रम बचा दिया, बस इतना प्रयोजन लेना उसका। वो कथन सत्यार्थ है, ऐसा समझो कि वो एक वाक्य है और उस वाक्य में एक कोमा लगी है, पूर्ण विराम नहीं लगा दिया, आ गया, ये है उसका। अब वो नहीं समझे ना तो फिर गड़बड़ करेगा, हैं? ये 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 मैंने किस किस शैली से वर्णन किया है आचार्य देव ने, वो शैली समझनी पड़ेगी कि क्यों वो क्या कहना चाहते हैं, ये कहकर के वो कहना क्या चाहते हैं, जब वो खुद कह रहे हैं कि व्यवहार नए अवतारत दर्शित, वो कह रहे हैं ना, तो व्यवहार नए अवतारत दर्शित, ये ग्यारहवीं गाथा में उन्होंने कहा, नहीं ग्यारहवीं गाथा में कहने से पहले इसकी भूमिका कहां से शुरू की उन्होंने, छठी गाथा से, छठी गाथा से शुरू की, कि कैसे कि पहले उन्होंने सारी बातें एक 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 स्पष्ट करी और फिर लास्ट में लेके आए कि व्यवहार नए अवतार, पहले व्यवहार नए की अवतारतता को सिद्ध किया और उसके बाद व्यवहार नए की अवतारतता को प्रतिपादित किया। आप व्यवहार नए की अवतारतता को सिद्ध किए बिना व्यवहार नए की अवतारतता प्रतिपादित करेंगे दुनिया नहीं मानेगी, न वो पद्धति है जिनवाने की। आचार्य भगवान ने प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, जो एक ज्ञायक भाव है, एक लाइन एक गाथा में तीन व्यवहार को उड़ाया, हाँ तीन व्यवहार उड़ाया ना, असद्भूत दोनों और उपचरित सद्भूत, और सातवें नंबर की गाथा में भेद रूप व्यवहार को उड़ाया, छठी नंबर की गाथा में पर्याय रूप व्यवहार को उड़ाया और सातवें नंबर की गाथा में गुण भेद रूप व्यवहार को उड़ाया, आठवीं नौवीं दसवीं गाथा वो प्रश्न के अनुसंधान में आई है,
अगर वहां प्रश्न हटा दो, उस प्रश्न को मत रखो, तो छठी सातवीं गाथा के बाद ग्यारहवीं गाथा, फिर ग्यारहवीं गाथा में उन्होंने कह दिया कि व्यवहार ने सभी अवतार थे चारों प्रकार का। तो इतना पहले उसको सिद्ध किया, और सिद्ध करने के बाद निष्कर्ष ये निकला कि चारों प्रकार के व्यवहार अवतार थे, और अवतार्थ कहने के बाद भूतार्थ का आश्रय लेगा वो सम्यक दृष्टि होगा। तो कोई ये नहीं समझ ले कि सम्यक दृष्टि होगा तो उसके जीवन में व्यवहार होता है कि नहीं होता है, तो फिर बारहवीं गाथा लाए। बारहवीं गाथा क्यों लाए? बारहवीं गाथा अज्ञानी के व्यवहार के लिए नहीं लाए, वो अज्ञानी को तो होता ही नहीं। कि सम्यक दृष्टि जिसने व्यवहार को अभूतार्थ मान करके उसका आश्रय छोड़ा है, शुद्ध त्रिकाली का आश्रय लिया है, उसकी भूमिका में भी जब तक पूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी, शुद्धता और अशुद्धता दोनों व्यवहार है ना, शुद्ध और अशुद्ध पर्याय, तो वो होगा, और होगा तो उस काल में वो जाना हुआ प्रयोजनवान है। कि अगर नहीं जाने तो, कि यदि तुम व्यवहार को नहीं मानोगे तो तीर्थ का नाश होगा, और यदि निश्चय का नहीं मानोगे तो तत्व का नाश होगा। अब ये एक मिल गया लोगों को, तो उन्हें बहुत उल्टे सुलटे अर्थ किए। देखो आचार्य ने लिखा व्यवहार को नहीं मानोगे तो तीर्थ का नाश होगा। भाई तीर्थ माने क्या, जरा समझ लो। तीर्थ माने तिरने का उपाय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र, मोक्ष मार्ग और मोक्ष। कि अगर तुम व्यवहार को नहीं मानते हो, सर्वथा गधे का सींग है व्यवहार, अगर ऐसा तुम मानते हो तो फिर सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की पर्याय व्यवहार है। अभी बताओ सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र सिद्ध नहीं होगा, ये वहां पे तीर्थ का मतलब है। हम और उसके द्वारा देखो साहब लिखा तीर्थ को नहीं, तीर्थ का नाश हो जाएगा। और उसके नाम पर जो अंधे धुंध अर्ध चले हैं, अपनी जितनी सड़ी गली विपरीत मान्यताएं थी ना, सब इस मान्यता के इस एक कलश के आधार पर लोगों ने पुष्ट करने की कोशिश की। लेकिन तीर्थ माने क्या? तीर्थ माने अपने वो परिणाम जिससे तिरा जाता है, वो व्यवहार नहीं का विषय। मोक्ष मार्ग व्यवहार नहीं का विषय, मोक्ष व्यवहार नहीं का विषय। अगर व्यवहार को सर्वथा निषेध करोगे तो ना मोक्ष मार्ग सिद्ध होगा ना मोक्ष सिद्ध होगा। क्यों? क्योंकि दोनों व्यवहार नहीं का विषय। और तत्व को निश्चय का निषेध करोगे तो किसके आश्रय से प्रकट करोगे? वो त्रिकाली ध्रुव, वो निश्चय है। बहुत ऐसा है, बहुत सारी चर्चाएं बाद में और करते हैं।